हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आप सभी का हमारे सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट, आज जनरल स्टडीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन इस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से पंजाब के हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी जनरल स्टडीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और पंजाब का, चाहे आपका क्लर्क का एग्जाम है, चाहे नायब तहसीलदार का एग्जाम है या कोई और एग्जाम, सभी एग्जाम्स में पॉलिटी सेक्शन से सवाल आएंगे ही आएंगे। तो आज जानेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और रिसेंटली ही स्टूडेंट, पीपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें पंजाब कॉपरेटिव इंस्पेक्टर की 320 पोस्टें निकाली गई हैं, तो आप इस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के पॉलिटी के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इंडियन पार्लियामेंट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि भाई पार्लियामेंट है क्या। अक्सर हम अखबारों में या इन जनरल किसी से सुनते हैं कि भाई पार्लियामेंट का एग्जिस्टेंस है इंडिया। सो पार्लियामेंट इज बेसिकली अ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर भी इसे कह देते हैं। अ बॉडी व्हिच मेक्स द लॉज, ऐसी संस्था जो भारत में कानूनों का निर्माण करती है उसे हम पार्लियामेंट कह देते हैं। ठीक है, नाउ भारत में जो पार्लियामेंट है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। सो पार्ट 5 में जिक्र होता है और आर्टिकल 79-122 डिफाइन करता है इंडियन पार्लियामेंट को। अब इंडियन जो पार्लियामेंट है ये बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि भाई हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं। इंडियन पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं? दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, जिसको हम डेप्थ में समझेंगे कि भाई क्या इनका कॉम्पोजिशन है और इनके द्वारा ही भारत में जितने भी कानूनों का निर्माण किया जाता है, बोथ हाउसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। चलिए, सो अब कॉम्पोजिशन समझेंगे। सबसे पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, लोअर हाउस कह दिया जाता है इसे, इसे पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलर हाउस या फिर टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। कई बार डायरेक्ट सवाल आपके यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, टेम्परेरी हाउस किसे कहा जाता है, लोअर हाउस किसे कहा जाता है, पॉपुलर हाउस किसे कहा जाता है, और हाउस ऑफ पीपल भी इसे कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। तो इन जनरल ये चार कई बार ऐसे यहां से भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ लिए। अब मेंबर्स कितने होते हैं भाई लोकसभा में? लोकसभा में मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं 552। ठीक है, 552 हो सकते हैं। इट मींस 550 हो सकते हैं प्लस 2। ये दो जो है, ये दो मेंबर जो है ये नॉमिनेटेड होंगे इन जनरल। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि जनरल इलेक्शंस में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, सीट नहीं मिली, तो राष्ट्रपति दो लोगों को नॉमिनेट करता है। इसके अलावा 550 सदस्य जो हैं वो लोकसभा में हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे अभी 545 है, 543 प्लस 2। ठीक है, सो ये आप जरूर याद रखें, मेंबर से भी पता होना चाहिए। टेन्योर की बात करें तो भाई 5 साल का टेन्योर है लोकसभा, 5 साल के लिए ही लोकसभा चुनी जाती है। हालांकि ये परमानेंट हाउस नहीं है। अगर याद हो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इट्स अ टेम्परेरी हाउस। इट मींस इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अगर विश्वास मत खो दे, अपना विश्वास जो लोकसभा है वो खो दे सदन में, तो 5 साल के समय से पहले भी हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल है, उससे पहले भी बहुत बार हाउस डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, सो ये तो बात कर ली हमने टेन्योर की। अब कोरम पे आते हैं। नाउ कोरम जो है हाउस का, इट इज कोरम का सिंपल मतलब होता है मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस। सो कोरम इज बेसिकली 1:10। ठीक है, 1/10 जो है कोरम है। मतलब अगर 550 सदस्य लोकसभा के हैं तो तकरीबन 55 सदस्य हाउस में मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हाउस सदन की कार्यवाही आगे चलेगी। अगर ऐसा नहीं है सो हाउस स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, सो मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस। एज की बात करें तो 25 साल लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु जो है 25 वर्ष तो होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नाउ हु प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सो स्पीकर। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत बार यहां से सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। स्पीकर जो है ये आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, और
लोकसभा का जैसे ही गठन होता है वैसे ही मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर यूनानिमसली चूज किया जाता है। अब जो स्पीकर है ये सभी सेशन को देखेगा, सुचारू रूप से चलाएगा, ये इसकी मेन जिम्मेदारी है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो प्रिजाइड ओवर करता है सेशन को लोकसभा। ठीक है, तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है अबाउट लोकसभा जो आपको जरूर पता होना चाहिए। चल नाउ मूव टुवर्ड्स राज्यसभा। नाउ राज्यसभा में आते हैं तो राज्यसभा को अपर हाउस कह दिया जाता है, अपर हाउस, या फिर हाउस ऑफ काउंसिल भी कह दिया जाता है, या फिर परमानेंट हाउस। ये बहुत बार पूछा गया सवाल अभी, परमानेंट हाउस किसे कहा जाता है? परमानेंट हाउस। ठीक है, ये बेसिक आप जरूर याद रखें अबाउट राज्यसभा। अब इसे परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं वो भी समझेंगे। नाउ पहले मेंबर्स पे आते हैं, सो मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं 250। ठीक है, 250 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम रह सकते हैं लेकिन ज्यादा 250 से नहीं हो सकते। नाउ इसमें 238 जो सदस्य हैं ये आपके स्टेट एंड यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि 18 जो उसके सदस्य हैं These members are nominated by President of the country, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन 12 व्यक्तियों की, नॉट 18, 12 मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है। अब ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ऐसे लोग those have done something extraordinary in the field of science, art, sports, literature, social services, ऐसे व्यक्तियों को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अब एक और सवाल यहां पे, क्या ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने का अधिकार होता है राज्यसभा में? तो बिल्कुल नहीं, दे कैन नॉट कास्ट देयर वोट। ये बेसिक सी जानकारी अबाउट मेंबर्स। नाउ टेन्योर की बात करेंगे। टेन्योर जरूर आपको याद रखना है, यहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है। जैसे राज्यसभा का, लोकसभा का टेन्योर था 5 साल का, राज्यसभा का जो टेन्योर है वो है 6 ईयर्स, 6 साल के लिए राज्यसभा बनाई जाती है। ठीक है, But it doesn't mean कि the house can be dissolved after 6 years. ऐसा नहीं होता, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इट्स अ परमानेंट हाउस। अब ये परमानेंट हाउस कैसे है? देखिए यहां से बहुत ही बार सवाल पूछा जाता है, एक तो टेन्योर से रिलेटेड, एक परमानेंट हाउस है या नहीं। परमानेंट हाउस इसलिए है क्योंकि इसके सदस्य कभी भी सदन पूरी तरीके से खाली नहीं होता, हर 2 साल के बाद जो है 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। After 2 years, 1/3 members of the Rajya Sabha retire और नए सदस्य जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से house fully कभी भी dissolve नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत important है, quorum पर आएंगे, तो quorum यहां भी 1/10 ही है। Minimum members present in the house कितने होंगे? अगर 250 सदस्य हैं, ठीक है, तो तकरीबन 25 सदस्य हाउस में होने चाहिए मिनिमम, तभी सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाउ एज की बात करें तो 30 साल आयु आपकी होनी चाहिए अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। मिनिमम एज इज 30। नाउ हु प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा? सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये प्रिजाइड ओवर करते हैं सेशंस को राज्यसभा के, जिन्हें कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सिंपल याद रखेंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इफ इन केस वाइस प्रेसिडेंट या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है हाउस में, देन जो है आपके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो प्रिजाइड ओवर करते हैं सेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ मेकिंग बॉडी में, लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में लोकसभा राज्यसभा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के कानून है, किस प्रकार के बिल्स हाउस में प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, सो बिफोर दैट हमें ज्वाइंट सेशन से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ज्वाइंट सेशन क्या है, ऐसे समझ लेते हैं। ज्वाइंट सेशन का सिंपल मतलब है, आर्टिकल 108 में डिफाइन किया गया है कि भाई दोनों हाउसेस को इकट्ठा बुलाया जा रहा है। ऐसा कब होता है? प्राइमरली जब किसी मैटर में विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, या डेडलॉक की सिचुएशन बन जाए, तब राष्ट्रपति द्वारा जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों ही हाउसेस का। ठीक है, नाउ ध्यान रखना ये फैक्चुअल बेस्ड सवाल है, कौन बुलाता है भाई ज्वाइंट सेशंस को? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है,
अब प्रेजेंट बुलाता जरूर है लेकिन सेशंस को प्रिजाइड ओवर कौन करेगा ज्वाइंट सेशंस को। अब यहां पर कई बार क्या होता है प्रेजिडेंट ऑप्शन में होता है, हम प्रेजिडेंट पे टिक लगा देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। प्रेजिडेंट सिर्फ सेशन को बुलाता है, प्रिजाइड ओवर नहीं करता। प्रिजाइड ओवर करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, स्पीकर जो है लोकसभा का वो ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड ओवर करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्टी स्पीकर जो है वो प्रिजाइड ओवर करेगा, और अगर दोनों ही एब्सेंट है फिर जो है आपके वाइस जो आपके डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के वो इसे प्रिजाइड ओवर करेंगे। पॉइंट क्लियर? कई बार यहां से भी सवाल आते हैं तो आपको हर सेक्शन को बड़े बारीकी से समझना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स। बिल का सिंपल मतलब है प्रपोजल जो प्रदर एक एक्ट या कानून का रूप धारण करता है। सो इंडिया में बेसिकली जो बिल है प्राइमरी तो तीन तरीके के, लेकिन हम चार इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साधारण कानून या ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 एंड 108 में डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल का मतलब है साधारण कानून, ठीक है। इन जनरल जब हमें किसी कानून की सेंट्रल गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है उसे ऑर्डिनरी बिल की संज्ञा दे दी जाती है। सो विज्ञान इसे यह भी कह सकते हैं भाई फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा जो भी मैटर्स हैं उनको ऑर्डिनरी बिल्स कह दिया जाता है। सो ऑर्डिनरी बिल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी हाउस में पहले रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे राज्यसभा में ही रखना है या लोकसभा ही रखना है। इट कैन बी प्रेजेंटेड फर्स्ट आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब मान के चलिए लोकसभा में इसे रखा गया, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, कहां भेज दिया राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में पहले इसको रखा गया, राज्यसभा के पास किया, क्या अब राज्यसभा इसे डिसॉल्व कर सकती है? सो आंसर इज नो, डिसॉल्व नहीं कर सकती, बट इसे विदहोल्ड कर सकती है 6 महीने के समय के लिए। 6 महीने के लिए या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकती है कि भाई इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अगर 6 महीने तक, ठीक है, मतलब 6 महीने के बाद अगर समय हो जाता है तो बिल ऑटोमेटिकली पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और बिल एक कानून का रूप धारण कर देता है, ठीक है। तो सिंपल है। नेक्स्ट है आपका मनी बिल। नाउ मनी बिल जो है ये हमेशा पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा। फर्स्ट रिकमेंडेशन के लिए जाता है प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए जाएगा, उसके बाद ये लोकसभा में रखा जाता है। अब लोकसभा आगे से पास करती है राज्यसभा के लिए के पास, राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है, ठीक है। उसके बाद इस बिल को राज्यसभा को पास करना ही पड़ता है, मनी बिल को। व्हाट इज क्लियर? और अगर ये बिल पास हो जाता है तो देन राष्ट्रपति भी उसको अपनी हामी ही भरते हैं बिकॉज उन्होंने ही रिकमेंड किया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल। नाउ डिफरेंस समझना है आपने मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में। मनी बिल वो होते हैं जो आपके टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो फाइनेंशियल बिल की संज्ञा हमको दे दी जाती है। नाउ फाइनेंशियल बिल भी दो पार्ट्स में है, आपके आर्टिकल 171 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना यहां से सवाल भी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। अब देखिए होता क्या है कि भी फाइनेंशियल बिल जब जैसे मनी बिल है, मनी बिल लोकसभा में ही रखा गया, ठीक है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए उसे रोक सकती है। अब अगर मैटर है आर्टिकल 171 सेक्शन 1 का, ठीक है, इसे लोकसभा में ही पहले रखा जाएगा और अगर लोकसभा इसे पास कर देती है तो तकरीबन यह बिल पास ही होता है, राज्यसभा उसे नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल बिल का मैटर है क्लॉज आर्टिकल 117 सेक्शन 3 का, देन कैन बी प्रेजेंटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। ये डिफरेंस आपको जरूर समझना है, यहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पर बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल का मतलब है कि भाई जब हमें कभी संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है, वी वॉन्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, सो अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन, ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नाम दे देते हैं।
या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित जो बिल है उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। चलिए तो आर्टिकल्स भी याद रखेंगे, आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि हमने अभी डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें, कहां इंट्रोड्यूस होता है ऑर्डिनरी बिल, जैसे बात की लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट किया जा सकता है पहले। ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में रखा जाएगा। मनी बिल जो है ये हमेशा लोकसभा में ही रखा, और कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल की बात करें तो इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड फर्स्ट आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे ऑर्डिनरी बिल को दोनों हाउस में रखा जा सकता है पहले, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बिल को भी रखा जा सकता है। नाउ इंट्रोड्यूस बाय, कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर होते हैं एनी अदर मेंबर देन मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के जो अलावा है वो भी प्रेजेंट ऑर्डिनरी बिल को कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को नहीं। मनी बिल को सिर्फ प्रेजेंट कौन करेगा? मिनिस्टर्स ही करेंगे। पॉइंट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। तो प्रेजेंट रिकमेंड नहीं करता, जरूरत ही नहीं होती प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन की, ठीक है। तो ये याद रखेंगे ऑर्डिनरी के बिल के केस में, हालांकि मनी बिल के केस में रिकमेंडेशन जरूरी होता है। राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा तभी वो लोकसभा में जाएगा। व्हाट इज क्या नाउ राज्यसभा रोल। राज्यसभा कैन बी अमेंडेड रिजेक्टेड, ठीक है। ये जो बिल है ऑर्डिनरी बिल, इसे रिजेक्ट भी कर सकता है या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। हालांकि वो मैंने जैसे कहा कि मैक्सिमम पीरियड कितना है कि भाई कितने, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ही रोक सकता है। After that, the bill can be considered passed. अगर हम बात कर रहे हैं मनी बिल के केस में, तो ये राज्यसभा में रखा ही नहीं जाता, ठीक है। राज्यसभा में रखा भी गया है तो सिर्फ 14 दिन तक ही राज्यसभा इसे रोक सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती। और इसे ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप, और मैक्सिमम 40 डेज के लिए इसे विदहोल्ड कर सकती है। After that, the bill can be considered passed. अब जरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल पर बात कर लें। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल पर मैंने कहा था अभी कि भाई दोनों हाउसेस में रखा जा सकता है। मान के चलिए लोकसभा में इसे प्रेजेंट किया गया है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा ने कहा कि भाई कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस ला दीजिए। रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, लेकिन लोकसभा ने इसे फिर वापस कर दिया, कहा नहीं हम कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो क्या अब यह बिल पास समझा जाएगा? जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में सिर्फ 6 महीने का समय था, या मनी बिल के केस में सिर्फ 14 दिन का समय था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल के केस में ऐसी स्थिति में क्या है, बिल वही निरस्त हो जाता है, रद्द घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है, जब हम पूरा पढ़ते हैं पार्लियामेंट को, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि राज्यसभा का तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है, अल्टीमेटली चलेगी तो लोकसभा की। बट व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर्स, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, आई होप कि बेसिक आइडिया अबाउट पार्लियामेंट आपको मिला होगा कुछ बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में एंड कंपोजिशन ऑफ द हाउस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद हैं तो डेली आप हमारे सेशंस को जरूर देखें, साथ ही साथ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।